जय हिंद दोस्तों। एक मासूम की जिंदगी दांव पे आ गई। एक बेबी लेपर्ड जो मुश्किल से 1.5 साल का होगा, जो अभी माँ के साथ ही रहता होगा, किसी भी कारण बस अक्सर रात के टाइम ये निकलते हैं और ऊपर में बैठते हैं। किसी भी कारण उसका पैर स्लिप हो गया होगा और जाके ये पानी में गिर गया। तैर तैर के ये बिल्कुल थक चुका था और एक पाइप की सपोर्ट से था और नम आँखों से दया भाव से देख रहा था कोई इसे बचा ले। वहाँ के लोकल डिपार्टमेंट को पता चला और लिए आ गए। ये काफ़ी कारगर टेक्निक होती है जिससे कि लेपर्ड भी को नुकसान भी नहीं पहुंचता और रेस्क्यूअर को भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि लेपर्ड एक वाइल्ड एनिमल्स है और वो घबराया होता है और जब उसको हम हाथ लगाते हैं या किसी भी चीज़ से रेस्क्यू करते हैं तो वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है और उसका अटैक करना काफ़ी भारी पड़ता है, जान तक चली जाती है। और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है जिससे कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ऊपर आ जाएगा और फिर वो अपनी जगह चले जाएगा, अपनी माँ के पास चला जाएगा, क्योंकि माँ उसकी अभी ट्रेनिंग चालू रखी होगी शिकार करने की और माँ भी आसपास होगा। वो फिर से अपनी माँ से मिल जाएगा और फिर से अपनी ज़िंदगी जी लेगा और काफ़ी कोशिश कर रहा है ये ऊपर चढ़ने का, मगर थोड़ा किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम लगता है और इसमें भी टाइम लगेगा, मगर सक्सेस ज़रूर मिलेगा और वो लेपर्ड इसके ऊपर चढ़ के आराम से उतर आएगा। आप देख रहे हैं कि लेपर्ड कोशिश कर रहा है मगर ये थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स है, इंसानों की तरह इनकी समझ नहीं होती है। ये भी डर जाता है कि इसको कोई हार्म तो नहीं कर रहा है, इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। एटलीस्ट वो इसके ऊपर आएगा और उसके बाद उसे खींच लिया जाएगा। काफ़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी मगर ये जरूर आ जाएगा और आ भी गया और ऊपर वो अपनी जगह चला जाएगा और सफलपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ।